हेलो गाइस, दिस इज अनूप श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय चैनल अनूप श्रीवास्तव ब्लॉग्स। आज मैं आप सभी के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ ऑनलाइन कैसे लिंक कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा डिटेल्स दूंगा कि आप आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ अपने घर पर अपने कंप्यूटर से या अपने मोबाइल के थ्रू कैसे लिंक कर सकते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इनकम टैक्स वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करके दिखाया था कि हम स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं इजीली अपने घर पर ही। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं इनकम टैक्स की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मैं अपनी इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक जरूर डाल दूंगा, जिससे आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस खुद ही आधार कार्ड से पैन कार्ड को लिंक कर सकें। और जो नए व्यूअर्स आए हैं हमारे चैनल पर, तो उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि फ्यूचर में जो भी हम नए अच्छे वीडियोज अच्छा कंटेंट आपके लिए क्रिएट कर सकें, आप तक वो पहुंच सके इजिली और आप उसको देख के उसका उस नॉलेज का गेन कर सकें। तो प्लीज सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर। अभी मैं यहाँ पर इनकम टैक्स की साइट को ओपन कर लूंगा। इनकम टैक्स ई फाइलिंग होम पेज नोटिफिकेशन आ जाएगा, कंटिन्यू टू होम पेज, देन पोर्टल लॉगिन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड फिलअप कर देंगे। तो मैंने सारा डेटा फिलअप कर लिया है। अभी इसमें जो यूजर आईडी रहता है, मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि इसमें पैन नंबर डालना पड़ता है। तो अभी हम लॉगिन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जैसे ही लॉगिन करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उस लास्ट वीडियो में भी आपको ये विंडो देखा होगा। तो उसमें हम डायरेक्टली कुछ नहीं, डायरेक्टली कि हम लेटा करके छोड़ देते हैं। तो उसके बाद अभी हमें क्या करना है कि सबसे पहले प्रोफाइल सेटिंग पर जाना है, फिर लिंक आधार पर क्लिक करेंगे। तो ये ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधार नंबर फिलअप कर देंगे और नेम एच पर आधार, जैसा कि आधार कार्ड पर नेम लिखा है सेम वैसा ही लिख देंगे। तो अभी हम फिलअप कर लेते हैं। ये हमने फिलअप कर लिया है। तो अभी हम लिंक आधार पर क्लिक कर देंगे, जो कि ये शो कर रहा है, ये लिंक आधार, साथ में कैंसिल लिखा है। तो वो कैंसिल नहीं, हमें लिंक आधार पर क्लिक करना है। तो लिंक आधार ये आ गया है। योर रिक्वेस्ट हैज सेंड टू UIDAI फॉर वैलिडेशन ऑफ आधार, स्टेटस ऑफ योर रिक्वेस्ट विल बी सेंड टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर। इसका मतलब ये है कि हमारा जो रिक्वेस्ट दिया है वहाँ से वैलिडेट होगा हमारा डेटा, आधार कार्ड का और पैन कार्ड का, फिर मैच करेगा तो ये अपडेट हो जाएगा। तो यहीं तक हमारा प्रोसेस रहता है, यही आधार कार्ड लिंक करने का प्रोसेस है। अगर अभी हम अपना ये प्रोफाइल सेटिंग पर जाएंगे, तो अभी फिर से लिंक आधार पर क्लिक करेंगे अगर, तो अभी तो फिलहाल में वही डेटा शो कर रहा है क्योंकि अभी ये वैलिडेट नहीं हुआ है। तो जैसे ही लिंक हो जाता है तो यहाँ पर आ जाता है आधार कार्ड लिंक विद द आधार कार्ड नंबर, लास्ट के 4 डिजिट आधार कार्ड नंबर के शो करने लगते हैं। तो जैसे ही ये लिंक हो जाता है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको दिखा दूंगा कि आधार कार्ड लिंक्ड होके कैसे आपको शो करता है। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें मैंने बताया कि हम स्टेप बाय स्टेप कैसे आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा
कि हमें अपना नील इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है। एक्चुअली जिसका इनकम टैक्स स्लिप के अंदर रहता है ना, तो उसको नील इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है, उसका कोई चार्ज नहीं लगता है इनकम का। कि आपका टैक्स स्लिप के अंदर रहता है तो उसको नील फाइल करना पड़ता है। तो मैं बताऊंगा कि नील इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल किया जाता है। तो अगले वीडियो तक के लिए आप प्लीज मेरा वेट कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी अगला वीडियो लेके आने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे जरूर और भी लेके आऊंगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। साइनिंग ऑफ, जय हिंद।